बोले भाई साहब, नाम क्या है? जी मैं रमेश चंद्र जी, महानगर कॉलोनी में रहता हूँ और ग्राम मुड़िया हाफिस का मूल निवासी हूँ। जैसा कि आप सब जो जानते हैं कि इस समय सामान्य विधानसभा 2022 के विधानसभा चुनाव चल रहा है और इसमें तमाम पार्टियाँ अपनी अपनी विषय रख रही हैं, अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुद्दा किसी के पास नहीं है। बीजेपी इस तरह से फिलाफ है कि उसने कोविड में जानबूझ के ऐसी जांच करवा दी हमारे सरकारी कर्मचारी, 150 कर्मचारी, 150 टीचर बेसिक के, इंटर कॉलेज के बरेली बरेली में ख़त्म हो गए और तमाम ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर बंद नहीं किए गए और उससे जानबूझ के कोरोना लाया गया। अगर हम समाजवादी की बात करें तो उसमें जो रिजर्वेशन में प्रमोशन था वो भी उसकी काफ़ी फाड़ी गई संसद में, तो हम कैसे सब विश्वास कर सकते हैं कि वो संविधान विरोधी हैं या संविधान की ताकत हैं? बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के नियम के अनुसार चलती है, जो कर्तव्य समानता, अखंडता, प्रखंडता पर बात करती है। इसलिए हमें सबसे अपील ये करते हैं कि जो हमारी विकास की बात करे, जो पुरानी पेंशन को लागू करे, जो हमारे गाँव के सड़कें, नदी नाले, जो सफाई करे, उसको हमें चुनना चाहिए। इसी में हमारे गांव की, समाज की, ब्लॉक की, जिले की और प्रदेश की खुशहाली होगी। इसलिए मैं सभी से ये अपील करता हूं कि ग्राम की विकास के लिए, अपने मोहल्ले के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 120 विधानसभा भोजी पर आके अर्जुन अजीज सहज और बहुत ही, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। आपका JPM डिग्री कॉलेज नैनीताल हाईवे पे होता है, वो भी आपका एजुकेशन का है। सिंगल वेल आपका उसका मीडियम इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, वो भी हमारे महानगर के बराबर रहता है। तो इसलिए योगेश पटेल जी ऐसे हैं जिन पे कोई दाग नहीं है, बेदाग है, सहज और सरल है। इसलिए सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप अधिक से अधिक 14 तारीख को वोट करें, सपोर्ट करें और अपने मतदाता को जागरूक करें, अपना वोट जरूर डालने जाएं। जय हिंद, जय संविधान।